सो अभी क्लास चल रही है एच जी एस की, सो अभी कल जाने वालों में वेनम लेट डे अभी कार्नेज मूवी देखने के लिए, सो दो मिनटों को मैं क्लास अटेंड करूँ फिलहाल। सो फिलहाल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधे मूवी की टिकट लेने। तो बेसिकली आज है 13 तारीख, क्योंकि 14 तारीख कल मूवी रिलीज होगी, तो मैं नहीं जाता अगर सीटें फुल हो जाए गलती से। वैसे पीपल्स मॉल में कोई मूवी देखने तो जाता नहीं है भैया, मेरा भूल तो निकल गई क्या बताऊँ, लेकिन अगर गलती से कोई पहुंच गया तो मेरी तो लग जाएगी, तो मैं आज ही जाके टिकट बुक कर देता हूँ। टिकट बुक हो जानी चाहिए क्योंकि यार कल वेनम लग रही है, एंड इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी वेनम का डाल दिया है, सो सकता है टिकट बुक हो भी जाए। पर बुक माई शो पे शो नहीं कर रहा था इनका जो भी था, बुक माई शो पे शो नहीं कर रहा था मुक्ता एटू, अब करने लगा तो पता नहीं, मैं सुबह सुबह चेक किया था। सो फिलहाल तो मैं थिएटर के अंदर होके आ गया हूँ, लेकिन अभी तक जो है शेड्यूल नहीं ओपन हुआ है कि किस टाइम लग रही है, तो अभी तक टिकटें बुक नहीं हुई। शाम तक बोले शाम तक आप आके बुक कर सकते हो। बुक माई शो पे एक्स्ट्रा फीस लेते करीबन 50 से 100 रुपये दो टिकटों पे हो जाएंगे, तो इससे अच्छा तो यहीं आके बुक कर दो। शाम को चेक कर लेना, तो मैंने उनकी वेबसाइट खोली एंड मुझे फाइनली उनके टिकट मिल गए, तो मैं दो टिकट बुक कर लेता हूँ मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। इनकी वेबसाइट अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सो ये रही वेनम 2 मतलब वेनम लेट देयर बी कार्नेज, इसका 14 तारीख का शो है, मैं बुक करने वाला हूँ 12 तारीख का शो, यानी मतलब 12:45 पर शो है जिसमें मैं जाने वाला हूँ। दो टिकटें अपनी फेवरेट सीटें बुक करेंगे, टोटल हो गया है 300 रुपये A6 and A8। और मैंने टिकट बुक कर दिया है वेनम का, लेकिन मैं एक बात याद रखूँ कंप्यूटर से बुक मत करना, 40 रुपये एडिशनल चार्ज मांग रहे थे, एंड जब मैंने मोबाइल से किया तो 300 रुपये में पूरी टिकटें बुक हो गई दोनों की दोनों, विदाउट कोई कन्वीनियंस चार्ज लिए हुए। सो मोबाइल से किया करो, कंप्यूटर से मैं कर रहा था, मैंने सोचा कंप्यूटर से कर लूँगा, बट अब मोबाइल ही काम आया आखिरकार। सो टिकटें बुक हो चुकी है, तुम्हें यहाँ कहीं दिख रही होगी, सो कल चलते हैं फिर। सो आज है 14 तारीख, एंड वेनम का शो शुरू होने वाला है करीबन 1 घंटे बाद। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, एंड मेरे भाई को ऐसा लग रहा है कि मैंने महंगे में टिकट बुक कर दिए, वहाँ पे जाके सस्ती होगी, तो वहाँ पे चल के चेक करते कि 150 में ही टिकट आती है या नहीं। पूछो कितने की टिकट है, 100। मेरे भाई को ये लग रहा है कि मैंने पैसे डुबाए। और जो सबसे टॉप वाली कितने की है, सबसे टॉप सबसे ऊपर वाली कितने की, उसकी प्राइस कितनी होती है, प्राइस कितनी होती है, 150। हाँ सो आज थिएटर में ज्यादा भीड़ है भाई, मतलब नॉर्मल के मुकाबले। मूवी तो कंप्लीट, लेकिन मिड क्रेडिट सीन बचा हुआ है अभी। मूवी हो चुकी एकदम खत्म, एंड में लेने वाला भाई कहने भाई उल्टे चलोगे क्या, भाई को कैसी लगी मूवी, कैसी लगी, घटिया क्यों, क्योंकि उसमें स्टोरी कितनी घटिया थी यार, और कुछ डबिंग कितनी घटिया थी, और कुछ और क्या, उसके अलावा था ही क्या। अच्छा स्टोरी तो मैं ही मानता हूँ घटिया थी, लेकिन डबिंग में कहूँगा हिंदी के हिसाब से सही नहीं थी क्या, इतनी घटिया थी यार। वो जो आंसू बह रहा है, जो कलाकार हो रहा है, वो आंसू बह रहा है ऐसा लगता है वो सीरियसली बात कर रहा है, और डबिंग में वो मजाक कर रहा है। सही है, अरे हाँ डबिंग तो कहूँगा, एंड स्टोरी तो सीधे तो डबिंग में वो जोक सुना रहा है बान खेड़े, क्या मजाक कर रहा है। बात और शुरू के 10 मिनट के अलावा मुझे मूवी कहीं भी पसंद नहीं आई, शुरू के 10 मिनट एंड लास्ट की जो 15-20 मिनट की CGI वाली फाइट थी, उसके अलावा मुझे भी ज़्यादा स्टोरी पसंद नहीं आने वाली थी, बट CGI था तो देखना बनता है। एंड देखो नेगेटिव रिव्यू वाली बात नहीं है, लेकिन यार मूवी वर्थ इट नहीं है 150 रुपये के हिसाब से, आ जाना मूवी देखने के लिए, कि ज़्यादा बुरी भी नहीं है।
पहुंच चुके हैं घर, लेकिन देता हूँ हाँ ठीक ठाक, क्या बोलूँ मूवी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही डाल दिया था कि मैं मूवी देख मतलब मूवी के टाइम के डाल दिया है, जो भी कहो यार। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब जैसा तुम लोगों को मेरा ब्लॉग देख के लग रहा हो कि मैंने क्या क्या इतनी जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो रही थी, इतनी जल्दी जल्दी सीन छोटे छोटे सीन क्यों डाले मैंने, तो भाई मैं पूरा इंस्पायर हूँ वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी से। उसमें भी इतनी जल्दी पेस में ये मूवी चलती है ना कि समझ भी नहीं आता कितनी तेजी से ये मूवी शुरू हुई है खत्म हो गई। तो भाई मैं पूरा इंस्पायर हूँ वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी से, बहुत तेज चलती है भाई मूवी। तो मैंने बिल्कुल उसी को देखते हुए मैंने अपना जो है ब्लॉग एडिट किया है बहुत तेजी से कि इतनी जल्दी जल्दी तेजी से चीजें निकलेंगी ना तो मैं मजा आ जाएगा।